Hello friends, so in this video I would like to show you how to calculate net present value of an annuity. Okay, so very interesting and very easy also. This question already comes in December 2017 exams of cost and financial management intermediate group 1. So ZZ & Co has four potential projects, all with an initial cost of rupees 15 lakh. The capital budget for the year only allow the company to take up only one of the three projects. Given the discount rates, and the future cash flows of each project. Then which project should they accept? इसमें कौन सा प्रोजेक्ट को वो एक्सेप्ट करेंगे? प्रोजेक्ट ए बी सी गिवन, देन एनुअल नेट कैश फ्लोज पर ईयर फॉर 5 years गिवन 3,50,000, 4 lakh, 5 lakh गिवन, डिस्काउंट रेट गिवन फॉर प्रोजेक्ट ए 4%, फॉर प्रोजेक्ट बी 8% एंड फॉर प्रोजेक्ट सी 10%, राइट? सो लेट्स कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू. First, in case of project A, okay, present value of annuity, PV of annuity of how much? 3,50,000 of rupees 3,50,000 for 5 years, annual net cash flow per year for 5 years. Okay, so present value of annuity of 3,50,000 for 5 years. Rate of discount given 4%. Rate of discount given for project A 4%. For 5 years with 4% rate of okay, discount, 4% of discount, right? So let's calculate 3,50,000 into how much. So here is the calculation trick. See, given that 4% discount rate for project A, so you can calculate with easy formula: 1 divided by 1.04 equal, then इसमें आप काउंट करेंगे अप टू 5 years, 2, 3, 4, 5 एंड उसके बाद जी टी ग्रॉस टोटल, ये आ गया आपका 4.45182, मीन्स अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 4.452. ओके, ये आ गया आपका डिस्काउंट रेट 4% में 4.452. सो देन नाउ 3,50,000 into 3,50,000 into 4.452 is equal to 15,58,200. 15,58,200
200, राइट। नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली द नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी एनपीवी विल बी फॉर प्रोजेक्ट ए रुपीज 15,58,200 माइनस इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 15 लाख, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 15 लाख माइनस 15 लाख। सो फॉर प्रोजेक्ट ए एनपीबी विल बी रुपीज 58,200, राइट, 58,200, ओके। सो नाउ फॉर प्रोजेक्ट बी सिमिलरली, फॉर प्रोजेक्ट बी वी कैन कैलकुलेट इन सेम वे, फॉर प्रोजेक्ट बी एनुअल नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 5 years गिवन दैट 4 लाख, फॉर प्रोजेक्ट बी 4 लाख। सो सिमिलरली यू कैन से पी वी ऑफ एनुइटी ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर हाउ मच ईयर्स, फॉर 5 years, 5 years गिवेन, नेट एनुअल नेट कैश फ्लोज पर ईयर फॉर 5 years गिवेन। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर 5 years, अगेन डिस्काउंटेड गिवेन 8% फॉर प्रोजेक्ट बी, डिस्काउंटेड गिवेन 8% फॉर 5 years विथ 8% डिस्काउंट रेट, 8% रेट ऑफ डिस्काउंट। लेट्स कैलकुलेट नाउ सिमिलरली हियर रेट ऑफ डिस्काउंट गिवेन 8%, 8% दैट मीन्स यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे, 1 divided by 1.08 is equal to 0.92। इसमें आप अप टू 5 ईयर तक कैलकुलेट करेंगे, 2, 3, 4, 5 देन जी टी 3.9927। सो सो यू कैन से 3.993 अप्रोक्सीमेटली, 3.99 अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट रेट। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी एन पी वी विल बी 4 लाख गिवेन, 4 लाख इंटू हाउ मच 3.99271 मीन्स 3.993 एंड इट विल बी 4 लाख इंटू 3.993 इट विल बी 15,97,200, 15,97,200. Now NPV will be 15,97,200 minus initial cost of investment that is 15 lakh initial cost of investment. So here NPV for project B will be 97,200, okay. So very easy and interesting also. Then for project C likewise PV of annuity
ऑफ रुपीज कितना 5 लाख गिवेन फॉर प्रोजेक्ट सी 5 लाख राइट. पीपी ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 5 लाख फॉर 5 ईयर्स फॉर ईच प्रोजेक्ट 5 ईयर्स रेट ऑफ डिस्काउंट 10% रेट ऑफ डिस्काउंट 10% फॉर प्रोजेक्ट सी 10% राइट. सो फॉर 5 ईयर्स विथ 10% रेट ऑफ डिस्काउंट. सो लेट्स कैलकुलेट 5 लाख फॉर प्रोजेक्ट सी इनटू हियर रेट ऑफ डिस्काउंट गिवेन 10%. सो यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे 1 / 1.10 इज इक्वल टू दिस. इसको कैलकुलेट करेंगे अप टू 5 ईयर्स 2, 3, 4, 5 देन जी टी कॉस्ट. ये आ गया आपका 3.79078 मीन्स अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 3.791. सो 3.791 राइट इक्वल टू 3.791 इनटू हाउ मच 5 लाख इज इक्वल टू 18,95,500 Clear. Now we can easily calculate the net present value. NPV will be similarly 18,95,500 minus initial cash of initial cost of investment 15 lakh and the differential figure will be 18,95,500 minus 15 lakh it will be your 3,95,500. So project A say 58,200 for project B 97,200 for project C 3,95,500. So obviously ZZ and Co Limited will be accept project C because of higher net present value. Accept project C. So here you can calculate with calculator trick, very easy and you know very simple also. You will get up to 6 marks. Okay. Without applying any formula. So this is it. For project A you can calculate 4% discount means simple calculate 1 / 1.04 equal को इसको हम लोग अप टू 5 ईयर कैलकुलेट करेंगे. ये आ गया 1 ईयर का देन 2, 3, 4, 5 देन प्रेस ग्रॉस टू टोटल जी टी. ये आ गया आपका 4.45182 मीन्स 4.452 राइट. सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट बी यू कैन कैलकुलेट 8% रेट ऑफ डिस्काउंट गिवेन दैट मीन्स 1/1.08 इज इक्वल टू 0.92 आ गया आपका 1 ईयर का देन अप टू 5 ईयर 2, 3, 4, 5 नाउ देन प्रेस जी टी. ये आ गया आपका 3.99
27 मीन्स 3.993 approximately 3.993. likewise for project C also you can do 10% discount means 1 divided by 1.10 is equal to 0.90 for 1 year, then for second year, third year, 4 year, 5 year 0.6620, then press GT 3.7907 means approximately you can say 3.791. okay, so this is it, how to calculate net present value. Thank you so much for your time and thank you so much for your support. Happy studying.